मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जवजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। बाज़ औकात करामते अवलिया के मामले में इंसान शैतान के वसवसे में आकर करामत को अक्ल के तराजू में तोलने लगता है और यूं गुमराह हो जाता है। याद रखिए, करामत कहते ही उस खिर के आदत बात को जो अकलन मुहाल यानी जाहिरी असबाब के जरिए इसका सुदूर नामुमकिन हो, मगर अल्लाह अज्जवजल की अता से औलियाए किराम से ऐसी बातें बसाउकात सादिर हो जाती है। नबी से कल्ब अज ऐलानी नबुवत ऐसी चीजें जाहिर हो तो उसे इरहास कहते हैं, और ऐलानी नबुवत के बाद सादिर हो तो उसे मौजा कहते हैं। आम मोमिन से अगर ऐसी चीजें जाहिर हो तो उसे मौनत कहते हैं, और वली से जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। निज फाकिर या फासिक से कोई खिर के आदत जाहिर हो तो उसे इस्तिदराज कहते हैं। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। एक बार सरकारे बगदाद हुजूर सैयदना गौसे पाक दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। वहाँ एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो जारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाहे गौसियत में अर्ज की, या मुर्शदी, इस ज़ईफ़ा का एक इकलौता खोगरू बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दुलाहा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। उस वाकये को आज 12 साल हो चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं। ए रोजाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात को न पाकर रो धोकर चली जाती है। हुजूरे गौसे आजम को उस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आपने अल्लाह अज्जवजल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। चंद मिनट तक कुछ भी जहूर न हुआ। बेताब होकर बारगाहे इलाही अज्जवजल में अर्ज की, या अल्लाह अज्जवजल, इस कदर ताखीर क्यों? इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ए ताखीर खिलाफे तकदीरो तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्मे कुन से तमाम जमीनों आसमान पैदा कर देते, मगर ब मक्त जाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं, अब न वो किश्ती बाकी रही है न ही उसकी कोई सुवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजा रेजा को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब इनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी न पहुंचा था कि यकायक ओ कश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ दुल्हा दुल्हन व बाराती सतह आप पर नमोदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे लगी। तमाम बाराती सरकारे बगदाद से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने आकर सैयदुना गौसे आजम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। निकाला था पहले तो डूबो हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम, और डूबतों को बचा मेरे गौसे आजम।